नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। बात करेंगे देश के मौसम की, पर लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे इस डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस डिप्रेशन के बारे में हमने आपको बताया था वो देश के अंदरूनी हिस्सों में आ चुका है, और इस समय आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व हिस्से और साथ ही छत्तीसगढ़ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सिस्टम अभी डिप्रेशन के कैटेगरी में है और धीरे धीरे ये उत्तरी और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ता रहेगा, और लगातार ये वेल मार्क लो प्रेशर, उसके बाद लो प्रेशर और फिर सर्कुलेशन के रूप में आपको अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यहाँ पर उत्तर भारत के इलाकों पर दिखाई देगा। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर लेकिन सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इसका जो ट्रैक होने वाला है वो क्या रहेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जब बंगाल की खाड़ी पर बना था ये तो थोड़ा उत्तरवर्ती रहेगा, और उसके बाद जब ये मैदानी इलाकों की तरफ मूवमेंट करेगा तो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी तरफ इसकी जाने की संभावना रहेगी। इससे पहले जो सिस्टम बने थे वे पश्चिम की तरफ पहुँचे और गुजरात तक उन्होंने मूसलाधार बारिश दी, पर लेकिन ये थोड़ा उत्तरवर्ती रहेगा और इसकी वजह से पूर्वी भारत के इलाकों पर और साथ ही उत्तर भारत के इलाकों पर आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। आप लोग देख भी सकते हैं कि 11 तारीख को इसकी जो स्थिति रहेगी वो उत्तरवर्ती रहेगी, यानी पहले ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर था, उसके बाद 11 तारीख को ये उत्तरी और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और यूपी के ऊपर आ जाएगा। इसकी वजह से आप देखें कि जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो अरब सागर से और साथ ही बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत के इलाकों पर और पूर्वी भारत के इलाकों पर पहुँचेगा। यहीं पर ही जो है मॉनसून का जो कॉन्सनट्रेट रहेगा वो यहीं पर ही रहेगा, और इसी वजह से देश के जो सेंट्रल इलाके रहेंगे जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, इन भागों पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। और हम आपको ये भी बता दें कि ये यहाँ से थोड़ा उत्तरवर्ती मूवमेंट करता रहेगा, और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी वे आपको पंजाब के इलाकों पर संभावना कम रहेगी, पर हरियाणा के पूर्वी हिस्से, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, साथ ही उत्तराखंड, इन इलाकों पर भी आपको भारी बारिश आने वाले दिनों पर देखने को मिल सकती है। वैसे तो दक्षिण पश्चिम मानसून इन दिनों अपनी वापसी के दौरे पर आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पर लेकिन अभी इन भागों पर मानसून कमज़ोर होता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा, पर 15 सितंबर के आसपास इसके जो संभावना रहेगी मानसून की वो कमज़ोर हो जाएगी और तब मानसून की विद्रोह सीमा आ जाएगी। फिलहाल उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आइए जानते हैं कि विस्तार से देश के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये 11 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस डिप्रेशन के बारे में हमने आपको बताया था वो यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से ये उत्तरवर्ती रहेगा, और जिसकी वजह से जो आने वाले दिनों पर जो मानसून का आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा, वो उत्तर भारत के जिनमें खास तौर पर हरियाणा के पूर्वी इलाके, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी से उत्तर पूर्वी राजस्थान और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के सेंट्रल इलाकों तक, लगभग इन हिस्सों तक बारिश देखने को मिलेगी, और इन भागों पर आपको 12 या 13 सितंबर तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। फिलहाल जो देश के अन्य इलाके रहेंगे जिनमें पश्चिम भारत में अगर हम आए तो पश्चिमी राजस्थान और साथ ही गुजरात के इलाकों पर इसका खास प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिलने वाला। वजह ये होगी क्योंकि एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बना हुआ है, और ये एंटी साइक्लोन यहाँ से पश्चिम हवाओं को पुश करेगा, और इसी वजह से ये डिप्रेशन आगे पश्चिम की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाएगा और यहीं से ये रिकर्व कर उत्तर पूर्व दिशा में जाने की संभावना इसकी बन रही है। इसी वजह से पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के इलाकों पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला। पश्चिम तट इलाकों पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर हल्की ही बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होने की संभावना इन भागों पर नहीं है क्योंकि अब मानसून के आखिरी चरण में है और ये आखिरी महीना मानसून का है, और इन दिनों जो मानसून होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और ख़ास तौर पर जो मानसून का प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है वो बंगाल की खाड़ी के सिस्टमों की वजह से ही देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ और मानसून ट्रफ वीक हो जाती है और वो अपना उतना प्रदर्शन इन भागों पर दिखा नहीं पाती। मध्य महाराष्ट्र और साथ ही विदर्भ और तेलंगाना और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो दिखाई नहीं दे रहा, और इसी वजह से इन भागों पर बारिश होने की संभावना कम रहेगी। अधिकतर समय मौसम साफ बना रहेगा, पर लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से हम इन भागों पर इनकार नहीं कर सकते।
दक्षिण भारत के इलाकों पर आए तो यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर भी आप देख सकते हैं कि इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है और यहाँ भी मौसम साफ बना रहेगा, गर्म बना रहेगा। पर ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पर कुछ बादल बन जाए और आइसोलेटेड पैलेस में यानी कि एक दो स्थानों पर गरजने वाले बादल बने और हल्की बारिश हो जाए। पूर्वी भारत के इलाकों पर इस डिप्रेशन की वजह से पहले बारिश हुई थी, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही बिहार के दक्षिणी इलाके और उड़ीसा, इन भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली थी। मूसलाधार बारिश हुई थी खासतौर पर उड़ीसा के इलाकों पर, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ के हालात बन गए थे। पर चूंकि सिस्टम अब मूवमेंट कर चुका है इसलिए अब इन भागों पर बारिश कम हो जाएगी, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर हल्के से मध्यम बारिश से हम इनकार 11 सितंबर को नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर जो मॉइस्चर का फ्लो पहले ही पहुँच रहा था वो अब उतना नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये डिप्रेशन मॉइस्चर को यहाँ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर उतना मॉइस्चर नहीं पहुँच पाएगा। पर फिर भी वहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के इलाकों पर आपको कुछ बारिश देखने को मिलेगी। वीडियो के आखिर में दोस्तों हम आपको बता दें कि इस डिप्रेशन की वजह से उत्तर भारत के इलाकों पर और मध्य भारत के इलाकों पर आपको काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, खास तौर पर अगले 24 घंटे से लेकर अगले 72 घंटे के दौरान यानी 11, 12 और 13 सितंबर के दौरान इन भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश, व्यापक बारिश होने की संभावनाएँ बन रही हैं। फिलहाल इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम की हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।